गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यू. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. यू ऑल हैव रिसीव्ड योर पीडियाट्रिक टेस्ट रिपोर्ट. तो बेटा, हमने जो पीडियाट्रिक टेस्ट लिए थे आपके, उसका रिजल्ट आपको सबको मिल गया होगा. हमने जो डिटेल मार्क्स बना के आपके फोन पे सेंड किया था. नेक्स्ट टाइम यू ऑल विल डू मोर प्रैक्टिस टू गेट मोर मार्क्स. नाउ वी स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक ए एन. यस बेटा, अवर टूडेज टॉपिक इज ए एन. बिफोर बॉबल हम यूज करते हैं एन. बॉबल के पहले हम जो फिलअप फिल करनी है वहां पे हम एन लगाएंगे, और बिफोर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले हम क्या लगाएंगे? ए. तो जो आज का हमारा टॉपिक है ए एन. आपको मैंने पहले भी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में एक वीडियो बनाई थी, तो आपको सेंड की थी बेटा, वो आप वीडियो दोबारा से देख लेना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 हमारे वॉवल्स होते हैं और जो अदर्स 21 जो हमारे लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो यहाँ पे हमें आपको फिर से बता दूँ, जो वॉवल साउंड वाले वर्ड होते हैं उनके आगे हम एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट्स के आगे हम ए लगाते हैं. अब देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स. जैसे देखो, यहाँ पे बॉय है, तो बॉय का बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हमने इसके आगे ए लगाया है. बैलून्स, बैलून, बैलून के आगे देखो ये बी है, बी कॉन्सोनेंट है, तो हमने ए लगाया है. आगे पैरेट, पैरेट का पी क्या है? कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल नहीं है, तो हमने ए लगाया है, ए पैरेट. आगे एग, तो ई जो है हमारा वॉवल है, इसलिए एग के आगे हम एन लगाएंगे, एन एग. आगे ई एन जी आई एन, इंजन, तो इंजन क्या, इंजन की ई क्या है? वॉवल है, तो इसके आगे हमने एन लगाया है. आगे एप्पल, देखो एप्पल के आगे ए, एप्पल जो ए है वो वॉवल है, तो इसके लिए हमने एन लगाया है. आगे गर्ल, तो गर्ल का जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हमने ए लगाया है. आगे देखो ट्री, ट्री क्या है? टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हमने ए लगाया है. अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला का यू क्या है? वॉवल है, तो इसलिए हमने एन लगाया है. ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर हो गया होगा, वॉवल के आगे एन लगता है और कॉन्सोनेंट के आगे ए लगता है.